हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पोहे बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 2 कप पोहे लिए हैं। ये रेगुलर वाले पोहे हैं, ना मोटे ना पतले हैं। इनको मैंने छन्नी से छान कर लिया है और इनमें 2-3 बार पानी से वॉश कर लूँगी, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा जो गंदगी होती है काला काला, वो अच्छे से निकल जाएगा। ये लीजिए, मैंने इसको 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। अब ये छन्नी को मैं इसी के ऊपर रहने देती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। वो पोहे को मैं ढक के रख रही हूँ, ताकि पोहे आसानी से फूल जाए, अच्छे से गल जाए। शुरू करते हैं पोहे बनाना। उसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मूंगफली के दाने, यानी पीनट सीड्स। मैं इसको भून लेती हूँ। आप इसको पहले भी फ्राई करके रख सकते हैं, ताकि पोहे बनकर जल्दी तैयार हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट इसे भून लेती हूँ। मूंगफली अच्छे से भुन गई है, मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। उसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच राई डाल रही हूँ, यानी मस्टर्ड सीड्स। पोहे में इसका फ्लेवर मुझे बेहद ही पसंद आता है। इसमें डाल रही हूँ मैं 8-10 कड़ी लीव्स। ये फ्रेश कड़ी लीव्स है, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप सूखे भी इसमें डाल सकते हैं। ये अच्छे से चटक गई है राई और कड़ी लीव्स। मैं इसमें 1 प्याज डाल रही हूँ, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसी में ही मैं बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। इस टाइम आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हो डाल सकते हैं, गोभी, मटर, आलू, गाजर, जो भी सब्जी पसंद है। मैं इसे बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। ये प्याज मिर्ची पक जाए अच्छे से। ये प्याज मिर्ची अच्छे से भुन गए हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, बहुत थोड़ा सा नमक लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। मैंने अच्छे से चला लेती हूँ। पोहे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पोहे कितने अच्छे से फूल कर तैयार हो गए हैं। मसाला पक गया है, मैं इसमें पोहे डाल रही हूँ। इसी में ही मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 नींबू निचोड़ देती हूँ। आप चीनी पोहे में पसंद करते हैं तो 1/4 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। पोहे को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पोहे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। मैं पोहे को 1-2 मिनट के लिए ढक कर पका लेती हूँ, ताकि भाप में अच्छे से और फूल जाए पोहे। एक बार चेक कर लेती हूँ। वाह, कितना बढ़िया पक के तैयार हुए हैं पोहे। इसी में मैं डाल रही हूँ भुनी हुई मूंगफली। थोड़ी सी मूंगफली मैं बचा के रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए। मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ इनको।
पोहे मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, अब मैं इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ। उसके लिए मैंने बारीक कटा हुआ प्याज बचा के रखा था वो डाल रही हूँ, मूंगफली के दाने बचा के रखे हुए थे वो डाल रही हूँ, फ्रेश धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा बारीक सेब डाल रही हूँ, नमकीन आपको जो भी पसंद है वो डाल सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। लग रहे हैं ना मज़ेदार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।